ऊपर से हमला किया गया, वो धीरे धीरे रात में भी इस तरह से हमला होता है। आसमान जो है गाजा का वो इस वक्त धुएं से भरा पड़ा है। देखिए लगातार इसराइल जो है वो हिजबुल्ला के ठिकानों पर अटैक कर रहा है। हमले की जद में पूरा इलाका बना हुआ है। यमन की तरफ से इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का वीडियो जारी किया है। तो तस्वीरें कई सारी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन देखिए इसराइल का भविष्य किस तरीके से अब बदलता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन इसराइल का यह दावा अब निकलकर जो सामने आया है उसने कई हमलों को नाकाम कर दिया है। तो यमन की तरफ से ये मिसाइल दागी गई है, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो वीडियो इस वक्त जारी किया गया है। और ऐसे मोड़ पर ये अब युद्ध आ गया है जहां पर दोनों पक्ष एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं। और इजरायली सेना ने यह वीडियो जारी किया है किस तरीके से अटैक यहां पर होता है, हालांकि हमले को नकारा गया है। तो एक के बाद एक कई एयर स्ट्राइक्स लगातार यहां पर की जा रही हैं, हालांकि जमीनी जंग भी और ज्यादा बढ़ती हुई चली जा रही है। हर मोर्चे पर अपनी रणनीति इसराइल और हमास दोनों ही बदलते हुए यहां पर सामने आ रहे हैं। लेकिन दोनों ने ही ये कसम खा ली है कि दोनों एक दूसरे का विनाश कर एक दूसरे का खात्मा कर ही दम लेंगे। तो कई मोर्चों पर इस वक्त इसराइल को युद्ध लड़ना पड़ रहा है। एक तरफ तो हमास से हूती विद्रोहियों ने भी हमला किया है, लेकिन दूसरी तरफ इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने इस हमले को नकार दिया है। इसराइल हमास युद्ध के बीच बाइडेन को बड़ा झटका लगा है। इसराइल का समर्थन करने पर बाइडेन अपनों में घिरते जा रहे हैं और आलम यह है कि उनकी लोकप्रियता में लगातार कमी आ रही है। और ये हम नहीं, एक रिपोर्ट में दावा है। क्या है पूरी खबर इस रिपोर्ट में आप समझिए। इसराइल हमास युद्ध की आंच अमेरिका तक पहुंची। पश्चिम एशिया में लड़ाई बाइडेन की कुर्सी तक आई। अमेरिकी मुसलमानों का वोट बाइडेन पर चोट। इसराइल अपने इतिहास का सबसे भीषण हमला झेल रहा है और इस मुश्किल वक्त पर अगर कोई एक देश उसके साथ खड़ा है तो वो अमेरिका है। अमेरिका ने इसराइल को ना सिर्फ राजनयिक बल्कि मिलिट्री सपोर्ट भी दिया है। अमेरिका ने इसराइल के समर्थन में दो विमान वाहक पोत भेजे, हथियारों की बड़ी खेप भेजी और अब इससे अमेरिका में रहने वाले मुसलमान बाइडेन प्रशासन से नाराज हो गए हैं। अमेरिका में शहर शहर युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिका में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग बाइडेन से युद्ध खत्म करवाने की मांग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि बाइडेन इसराइल का विरोध करे और उसे समर्थन देना बंद करे। अमेरिका में 2024 में चुनाव है और अब अमेरिका में रह रहे अरब मुस्लिम बाइडेन की इसराइल नीति से बेहद नाराज हैं। गाजा में युद्ध विराम नहीं कराने पर वोट नहीं देने की चेतावनी दे रहे हैं। इस बीच अमेरिका में एक सर्वे ने जो बाइडेन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से अरब अमेरिकियों ने बाइडेन को वोट के जरिए चोट देने का फैसला किया है। सर्वे में कहा गया है कि सिर्फ 17% अमेरिकी अरब मुस्लिम वोटर 2024 में फिर से बाइडेन को वोट देंगे, जबकि पिछले राष्ट्रपति चुनावों में यानी 2020 में 59% अमेरिकी अरब मुस्लिमों ने बाइडेन के पक्ष में वोट दिया था। साफ है गाजा में जैसे जैसे इसराइल के टैंक और IDF जवानों के हथियार आग उगल रहे हैं, वैसे वैसे अमेरिका में रहने वाले अरब मुस्लिम बाइडेन के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। सर्वे बताते हैं कि सिर्फ 3 साल में बाइडेन को वोट देने वाले 42% लोग उनसे मुंह मोड़ चुके हैं। इसराइल हमास युद्ध से हो रहा नुकसान सिर्फ बाइडेन को नहीं हो रहा बल्कि डेमोक्रेटिक पार्टी को भी नुकसान हो रहा है। सर्वे में कहा गया है कि 2024 के चुनाव में सिर्फ 23% अरब मुस्लिम डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देंगे। अमेरिका के चुनाव में ऐसा पहली बार हो रहा है जब अरब मुस्लिमों ने डेमोक्रेटिक पार्टी को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। सर्वे के नतीजों ने अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट्स के लिए चिंता बढ़ा दी है। खासकर मिशिगन में करीब 2.77 लाख है, पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया में भी अरब मुस्लिम आबादी ज्यादा है। 2020 के चुनाव में ये तीनों राज्यों में डेमोक्रेट्स ने जीत हासिल की थी। अमेरिका में मुसलमानों की आबादी 30 लाख से ज्यादा है। 2020 के चुनाव में ज्यादातर मुस्लिम वोटर्स ने बाइडेन को वोट दिया था। उन्हें लगता था कि अमेरिका में फैल रहे इस्लामोफोबिया को बाइडेन खत्म करेंगे, लेकिन इसराइल हमास युद्ध के बाद बाजी पलट गई है। अगर पश्चिम एशिया में युद्ध लंबा चला तो इसका नुकसान अगले चुनाव में बाइडेन को हो सकता है।
इसराइल लगातार गाजा और लेबनान के इलाकों में ग्राउंड ऑपरेशन चला रहा है। न्यूज 18 इंडिया के संवाददाता जावेद मंसूरी ने रिपोर्टिंग के दौरान धमाके की आवाज सुनी। इसराइल लेबनान बॉर्डर से देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। आपको लेकिन तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जहां दो दिन पहले इसराइल ने गाइडेड मिसाइल से अटैक किया और देखिए उसके टुकड़े और यहां पर आपको साफ तौर पर नजर आएंगे। ये देखिए हम एक घर में मौजूद हैं, ये डॉक्टर दंपत्ति का घर था और किस तरीके से इसको निशाना बनाया गया है वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये जो पूरा घर है दो दिन पहले यहाँ पर अटैक किया गया, देखिए किस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। जो घर के टुकड़े हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे टूटकर ये दीवारें टूटकर जमींदोज हो गई हैं। ये इसी तरीके की तस्वीर यहाँ पर नज़र आ रही है पूरे घर में। आपको बता दें कि जिस वक्त हमला किया गया गाइडेड मिसाइल से इस घर में कोई नहीं था। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से तमाम जो टुकड़े हैं ज़मीन पर पड़े हुए हैं। आपको बता दें कि ये जो पूरा इलाका है ये इसराइली हमले की जद में है, अलमशाब ये पूरा इलाका है। और मैं आपको पीछे की तरफ से भी तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि इस हमले के बाद क्या स्थिति बनी। देखिए मैं यहाँ मौजूद हूँ इस घर की ऊपरी मंजिल पर गाइडेड मिसाइल से अटैक किया और पूरा घर में आप देखेंगे सामान तितर बितर पड़ा हुआ है। इस तरफ भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर ये पूरी तरीके से जो दीवारों के टुकड़े हैं वो यहाँ ज़मीन पर पड़े हुए आपको नज़र आएंगे। दरअसल अलमशा वो इलाका है जहाँ पर इसराइल लगातार अटैक कर रहा है और ये जो पूरा इलाका ये हिजबुल्ला का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है। लगातार इसराइल हिजबुल्ला के ठिकानों पर भी अटैक कर रहा है। देखिए एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, ये इस घर के पीछे तमाम ओलिव का गार्डन है, जो जैतून होता है उसका गार्डन है और उसमें किस तरीके से नुकसान हुआ ये आप तस्वीर देख लीजिए। यहाँ पर पूरा जो ग्राउंड है वो जलकर खाक हो गया। देखिए अभी हमें आवाज़ आ रही है, हमें निकलना होगा यहाँ से। अभी हमें एक धमाके की आवाज़ सुनी है यहाँ से कुछ ही दूरी पर, कुछ ही मीटर की दूरी पर यहाँ इसराइल की पोस्ट है। अभी अभी बिल्कुल आवाज़ आई है हमें धमाके की, बिल्कुल जब हम यहाँ पर मौजूद और हम जब यहाँ मौजूद हैं यहाँ हमें ड्रोन की आवाज़ भी सुनाई दे रही। तो ये बहुत, ये पूरा जो इलाका है जंग का मैदान बना हुआ और यहाँ जितनी भी आबादी थी वो सब यहाँ से जा चुके हैं। 90% से ज़्यादा लोग यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं। इसराइल का गाजा के जबेलिया में हमला हुआ है। इस हमले में इसराइल ने हमास कमांडर को मार गिराने का दावा किया है, लेकिन इस दावे से उलट अरब के कई देश इसराइल पर नरसंहार का आरोप भी लगा रहे हैं। फिलिस्तीन मीडिया के मुताबिक गाजा के जबेलिया में हुए हमले में 14 लोगों के मारे जाने की खबर है और इसराइल के मुताबिक इस हमले में हमास कमांडर समेत कई हमास आतंकी मारे गए हैं, जबकि हमास का दावा है कि इस हमले में आम लोग शिकार हुए। तो गाजा के जबालिया में यह हमला हुआ और इसराइल का दावा है कि जबेलिया में जिस जगह उसने हमले को अंजाम दिया वहां हमास आतंकियों के सुरंगों का एक बड़ा जाल मौजूद था। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और यहीं पर हमास का बैटालियन कमांडर भी छिपा था, जिसकी खुफिया रिपोर्ट इसराइल की सेना के पास थी और उसी के बाद उसने जबेलिया पर सटीक हमले को अंजाम दिया है। इसराइल के इस हमले में हमास का बैटालियन कमांडर इब्राहिम बियारी मारा गया है। इसराइल का दावा यह है कि इब्राहिम बियारी 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुए हमले में शामिल था। यूं कह सकते हैं कि मास्टरमाइंड की भूमिका में था और उसे ही टारगेट करके उसने इस ऑपरेशन को सफल तरीके से अंजाम दिया है।